ओम शांति। आज की तारीख है 21/11/21 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली 27/11/89 की। और आज की इस मुरली का शीर्षक है शुभ भावना और शुभ कामना की सुख्यम सेवा, यानी मनसा सेवा। तो मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। आप ज्ञानी तु आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप के द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला हुआ है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हैं। इतना अपनी शुभ कामना का, शुभ भावना का महत्व जानते हो? अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो व महत्व जानकर चलते हो? दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, परंतु महत्व कितना वो नहीं जानते। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभ कामना की सुख्यम सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु बाबा का अपने परिवर्तन द्वारा, यानी स्व के परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले बच्चे सच्चे सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं कि जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो। जैसे योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो, तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प और हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका ये परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा
स्वतः ही होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त मूरत से सेवा करने वाले विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है। कहते ना, प्रभु का वरदान मिला है। दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। अच्छा, ओम शांति।